शक्तिमान का नाम तो आपने सुना ही है, वो शक्तिमान जो दुनिया को बचाने के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी है, लेकिन एक लड़ाई पाले जी को बचाने के लिए लड़ी गई थी पर्दे के बाहर। अब बात है 1990 की, जहाँ पूरे भारत में बच्चे शक्तिमान को लेके पागल हो जा रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में पार्ले जी की सेल्स पूरी तरह से गिरी जा रही थी। ऐसे में पार्ले जी की मार्केटिंग टीम ने कैंपेन लॉन्च की, जिसमें बच्चों के अपने सुपर हीरो शक्तिमान के साथ मिलने का मौका मिलना था, और टिकट थी पार्ले जी के 2 पैकेट। अब पार्ले जी को इस मार्केटिंग कैंपेन से कुछ खास उम्मीद नहीं थी, उनको लगा कि कोई 1000 बच्चे आएंगे, एक ग्राउंड बुक कर देते हैं, किया भी, और एक्चुअल में 1 लाख बच्चे पहुंच गए अपने सुपर हीरो शक्तिमान को मिलने के लिए। और ये मार्केटिंग आइडिया इतना काम कर गया कि जहां तमिलनाडु में पूरे महीने में 50 टन बिस्किट बिका करते थे, इस कैंपेन के बाद बिके 2000 टन। अभी और सुनिए जनाब, इस कैंपेन का असर इतना स्ट्रॉन्ग था कि 2005 में शक्तिमान ने आना बंद कर दिया, लेकिन 2013 तक पार्ले जी का रिटेल बिजनेस पहुंच गया करीब 5000 करोड़ रुपए सिर्फ बिस्किट से।